दोस्तों, मैंने अपने पिछले शॉर्ट में हाइपरलूप के बारे में बात की थी, परंतु आज हम ये जानेंगे कि हाइपरलूप कैसे कार्य करता है और हाइपरलूप किस वैज्ञानिक विधि पर कार्य करता है। तो चलो शुरू करते हैं। हाइपरलूप मैग्नेटिक लेविटेशन पर कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि हाइपरलूप और एसी मैग्लेव ट्रेन एक विधि पर कार्य करते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसे मैग्लेव के रूप में भी जाना जाता है, एक रेवोल्यूशनरी तकनीक है जो आने वाले समय में यात्रा और परिवहन को बहुत आसान और तेज कर देगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल कर बिना किसी सतह को स्पर्श किए बिना गति प्रदान करता है। ये एक हाई स्पीड संयंत्र है। मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। इसकी मदद से दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन बनाई गई, जिसको मैग्लेव ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल हाइपरलूप जैसी उच्च कोटि के परिवहन के लिए किया जा रहा है। हाइपरलूप अभी डेवलपिंग फेज में है। मैग्नेटिक लेविटेशन की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित है। जब विद्युत प्रवाह एक तार के माध्यम से होता है, तो यह इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र अन्य चुंबकीय क्षेत्रों के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है, जिससे एक इपल्सिव या आकर्षक बल उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक लेविटेशन के मामले में शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है, जो किसी वस्तु को उठा और चला सकता है। मैग्नेटिक लेविटेशन के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसकी गति है। जापान में मैग्लेव ट्रेनें 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, जिससे परिवहन के सबसे तेज साधनों में अपना नाम दर्ज किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जो कि पुरानी ट्रेनों में संभव नहीं है। मैग्नेटिक लेविटेशन पारंपरिक ट्रेनों को धीमा करने वाले फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को समाप्त करता है। नतीजतन मैग्लेव ट्रेनें काफी कम समय में लंबी दूरी तय कर सकती है, जिससे ये उच्च गति के ट्रांसपोर्ट में अपना नाम दर्ज कर पाए। मैग्नेटिक लेविटेशन का एक और लाभ इसकी एनर्जी एफिशिएंसी है। पारंपरिक ट्रेनें बिजली उत्पन्न करने के लिए फॉसिल फ्यूल पर निर्भर करती है, जो कि वायु प्रदूषण में योगदान करती है। इसके विपरीत मैग्लेव ट्रेनें अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से बिजली उत्पन्न करती है, जिससे वे पर्यावरण को प्रभावित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक लेविटेशन ओनली परिवहन तक सीमित नहीं है, इसका उपयोग अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में मैग्लेव तकनीक का उपयोग सटीक मशीनिंग और असेंबली में किया जा सकता है, क्योंकि यह बिना किसी संपर्क के बेहद सटीक और तेज गति से ट्रेवल करती है। हेल्थ सेक्टर में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI वाली मशीनों में मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग किया जाता है। इसके कई लाभों के बावजूद मैग्नेटिक लेविटेशन की कुछ बाउंड्रीज भी है। मैग्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की लागत ट्रांसपोर्ट के ट्रेडिशनल वाहनों की तुलना में काफी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैग्लेव ट्रेनें बिजली पर निर्भर है, उनका संचालन एक स्टेबल एंड रिलायबल बिजली आपूर्ति पर निर्भर है। बिजली आपूर्ति में कोई भी इंटरप्शन आने पर ट्रांसपोर्ट रुक सकता है। फिर भी मैग्नेटिक लेविटेशन के जितने लाभ है, उनको देखकर हम इसकी सीमाओं को भूल सकते हैं। वास्तव में कई देशों ने पहले से ही मैग्लेव तकनीक विकसित करने में निवेश कर दिया है। चीन, जापान और जर्मनी में ऑपरेशनल मैग्लेव ट्रेनें हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अन्य देश वर्तमान में मैग्लेव सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आने वाला नेक्स्ट डिकेड मैग्नेटिक लेविटेशन का ही युग रहेगा, और आखिरी में बस यही कहना है कि मैग्नेटिक लेविटेशन एक गेम चेंजिंग तकनीक है, जिसमें हम जिस तरह से यात्रा करते हैं, वो एक ट्रांसपोर्ट की क्रांति है। दोस्तों, भारत में भी हाइपरलूप जैसी तकनीक पर काम चल रहा है। हाइपरलूप भी मैग्नेटिक लेविटेशन की तकनीक पर कार्य करता है। यदि आपको इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।